राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में उड्डयन मंत्रालय मिलने के बाद एक तरफ जहां उनके विरोधी ये बात हजम नहीं कर पा रहे, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर भी अब तक कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर जिस तरह बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी आलाकमान ने सिंधिया पर भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक उसी तरह सचिन पायलट को भी बीजेपी में बड़ा मौका मिल सकता था अगर सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ देते। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूजर्स लगातार ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को अब तो बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। अगर वो अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो उनको हकीकत को समझना होगा और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाना होगा। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट काफी घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि सवाल तो यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी अपना बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट की नाराजगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से देखने को मिल रही है, उसके बाद सचिन पायलट अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या कदम उठाते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासी राजनीति को लेकर और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट दोनों ही जल्द साथ में उड़ाएंगे एरोप्लेन, जिसके बाद कांग्रेस की सियासी राजनीति को लेकर बड़ी उथल पुथल मचाने वाली खबर सामने आ रही है। राजस्थान की सियासी राजनीति की उठापटक की खबरों के बीच में कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी बैठक किए जाने की खबर सामने आ रही है, तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर बड़ी बैठक के तौर पर कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा दिया है। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद में भरोसा जताने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं में भी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। सिंधिया के मंत्री बनते ही कांग्रेस पार्टी बड़े एक्शन के अंदर दिखाई दे रही है, लगातार सिंधिया को लेकर बयानबाजी भी कर रही है, यहां तक कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासी राजनीति और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी में मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद सचिन पायलट और सिंधिया की फोन कॉल पर हुई बातचीत को लेकर भी बड़े खुलासे की बातचीत हो रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।